आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ करवा चौथ स्पेशल मेकअप लुक लेकर आई हूँ। तो ये इस तरह से मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है और ऊपर से मैंने ये रेड कलर की अपने लहंगे का दुपट्टा ले लिया। अगर आप लहंगा नहीं पहन पाते हैं तो कोई बात नहीं, वो लहंगे की जो चुन्नी होती है उसे इस तरीके से आप ऊपर से कैरी करें, बड़ा ही सुंदर लुक देती है, क्या ही बताऊँ। तो मैंने रेड कलर की ज्वेलरी, रेड कलर का चूड़ा इसके साथ कैरी किया है, मेकअप इस तरीके से किया है। तो मेकअप देखने के लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी, तो आप वीडियो में प्लीज एंड तक जरूर बने रहिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, होप की वीडियो आपको अच्छी लगे। सो स्टार्ट करते हैं, करवा चौथ की आप सबको शुभकामनाएं। सो गाइज, हम स्किन केयर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी लिप बाम लगा ले रही हूँ, ये बायोटिक की लिप बाम है और अच्छे से आपके लिप्स को मॉइस्चराइज कर देती है, तो अच्छे से लगा लेना है। और इसके बाद मैं यहाँ गुड वाइब्स का टोनर लगा रही हूँ और इस तरह से आपको स्प्रे करना है फेस एंड नेक पे, और इसके बाद फिंगर से आपको कर लेना है डैब डैब। इसके बाद मैं सीरम लगाऊंगी, तो कुछ देर वेट करते हैं। हैंड लगा लेती हूँ ताकि मुझे जो हेयर है डिस्टर्ब ना करें। मामा अर्थ का विटामिन सी सीरम लगा रही हूँ मैं, इसको इस तरह ड्रॉपर की ही हेल्प से मैं लगा रही हूँ और इस आपको बस ऐसे डैप कर देना है, इसको इस तरह रब नहीं करना है, अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है। अब लगाने के बाद जो स्किन केयर है वो आपको जो अपने मेकअप से पहले ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपका जो फेस है अच्छे से प्रिपेयर हो जाए मेकअप के लिए। डायरेक्ट लगाओगे तो आपके ओपन पोर्स वगैरह में चला जाए। पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर लगा ले रही हूँ, आप अपने स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर को चूज़ करिए। अगर ड्राई स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग, मेरी थोड़ी ऑयली स्किन है तो अच्छे से डॉट डॉट करके लगाने के बाद इस तरह से आपको ब्लेंड कर लेना है फिंगर की हेल्प से। इसके बाद डे में कर रहे हैं तो सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए, तो आपको सनस्क्रीन लगा लेना है। यहाँ मैं लैक्मे का सनस्क्रीन ले रही हूँ, अच्छे से लेकर आपको, और इसको भी आपको रब नहीं करना, सिर्फ इस तरह से पैट करना है। तो ये मेरा स्किन केयर कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं मेकअप की तरफ। तो मेकअप में सबसे पहला स्टेप है प्राइमर का। प्राइमर आपको जरूर फाउंडेशन से पहले लगाना चाहिए, इससे एक तो आपका जो बेस है फ्लॉलेस बनता है, साथ ही साथ आपके जो ओपन पोर्स वगैरह हैं वो भी फिल हो जाते हैं। प्राइमर के लिए मैं स्टे क्विकरी का प्राइमर यूज कर रही हूँ, ये आपको purple.com पर अवेलेबल मिल जाता है, तो आपको इस तरह लेना है, जहाँ भी आपके ओपन पोर्स वगैरह की दिक्कत है वहाँ आपको अच्छे से लगा लेना है। और इस तरह से जो फिंगर पे है उसी को आप अपने आईज पे लगा लीजिए, तो अच्छे से ये लगा लेना है इसको इधर की एरिया में ज़्यादा, क्योंकि मेरे इधर ओपन पोर्स हैं तो मैं इधर ही इसको ज़्यादा लगाती हूँ। सो आज मैं यहाँ पर दो बर्तन वाले आ गए बाहर, जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ गली में कोई ना कोई आता ही रहता है, तो ये दो हैं, एक ये स्विस ब्यूटी का और एक ये माई ग्लेम का बीबी क्रीम, दोनों बीबी बीबी हैं, तो इन दोनों को मिक्स करके आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ। सो मैं ये हैंड पे ही ले रही हूँ इसे, और ये भी इस तरह से पहले मिक्स कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि मेरे इसका स्विस ब्यूटी के फाउंडेशन का जो शेड था ना काफ़ी लाइट था, तो मैं यूज़ नहीं कर पाती, तो इस तरह मिक्स करके दूसरे शेड में मैं उसे यूज कर लेती हूँ, और फिंगर की ही हेल्प से इस तरह से मैं इसे अप्लाई कर लूँगी फेस एंड नेक पे अच्छे से। मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाया, क्योंकि उसकी वजह से जो फेस है केकी हो जाता है। मैंने ये एक इस ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, इसको पहले वेट किया है फिर स्क्वीज किया है, अब इससे मैं ऐसे डैब डैब करते हुए आपको ब्लेंड कर लेना है, और यू रब रब नहीं करना है। सो ये मेरा अच्छे से ब्लेंड हो गया। अगर आपका कुछ मतलब फेस पे पिगमेंट वगैरह है तो आप अपने जो स्किन से टू शेड जो डार्क कोई भी कंसीलर को एज ए कलर करेक्टर पहले यूज कर सकते हैं। अब ये मैंने लगा लिया, अब इसके बाद मैं कंसीलर लगाऊंगी। सो इस तरह से लेना है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाती, क्योंकि इसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा आपका फेस है वाइट वाइट दिखेगा। इस तरह से लगा लिया है मैंने थोड़ा सा फोरहेड पे, और जहाँ भी कहीं पिगमेंटेशन वगैरह है वहाँ पे थोड़ा सा मैंने आईज पे लगा लिया है। इधर की साइड से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। आईलिड पे हल्के हल्के हाथों से आपको इसको ब्लेंड करना है, ताकि कोई क्रीज ना रह जाए। ये लूज़ पाउडर ले रही हूँ मैं, और ये एक लिया है मैंने पफ, और इसकी हेल्प से मैं थोड़ी बेकिंग कर देती हूँ जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था।
पहले ब्रॉन्जर लगा लेती हूँ, लेना है आपको। और फोरहेड मेरी तरह बड़ा है तो लेकर ऊपर इस तरह से, इससे आपको एक सनकिस्ट लुक मिलता है। इस तरह से पतली टिप बनाकर NY Bay का ही ब्लश मैं ले रही हूँ, लेकर डस्ट आउट किया है, हल्का सा मुस्कुराते हुए इधर में लगा दूंगी। आज हम करवा चौथ के लिए मेकअप कर रहे हैं तो हल्का सा डार्क भी हो जाए तो भी चलेगा। अब ये हाइलाइटर भी मैं NY Bay का ही ले रही हूँ, तीनों चीजें। ये देखिए मेरा टूट गया, फैन ब्रश की हेल्प से मैं इसे लगा रही हूँ फोरहेड पे। अब पहले मैंने अपनी बेकिंग को इस तरह से हल्का सा पाउडर लेकर मैं अपने नेक पे भी लगा लेती हूँ, थोड़ा सा हाइलाइटर मैं फोरहेड पे भी लगा ले रही हूँ अपने, और फिंगर की हेल्प से अपनी नोज, अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। तो आज मैं ये ब्लैक आई शेडो से अपने आईब्रोज को फिल करूंगी, बहुत हल्का हल्का लेते हुए, ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ नहीं ले रही क्योंकि ब्लैक कलर है, एकदम से जहाँ लग जाएगा ना फिर हटाना मुश्किल हो जाता है, फिर वो नेचुरल भी नहीं लगता है। तो ये मैंने अच्छे से अपने आईब्रो फिल कर लिया, कॉम कर लेती हूँ। अब ये ब्यूटी ब्लेंडर पर मैं सेटिंग स्प्रे, अगर सेटिंग स्प्रे है आपके पास तो मेकअप फिक्सर है तो वो आप लेकर डायरेक्ट लगाने की बजाय इस तरह स्प्रे करके और फिर अपने मेकअप को सेट कर दीजिएगा। हल्का सा अगर आप अपनी आईब्रोज को डिफाइन करना चाहते हैं तो इस जगह आप अप्लाई कर लीजिए टेप ले रही हूँ मैं, ये वाला शेड है जो मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा डस्ट आउट कर रही हूँ अपने इस जगह, पहले प्लेस कर दे रही हूँ फिर ब्लेंड कर दे रही हूँ। हेड ब्रश की हेल्प से ये ब्लैक शेड ले रही हूँ, इसको आउटर साइड पे प्लेस कर देना है, आपके टेप से बाहर आपका कलर नहीं जाना चाहिए। ब्रश से मैं इसे ब्लेंड करूंगी इसी की जगह पे, मैं रेड पिगमेंट लूंगी यहाँ पे और मिडल में लगाऊंगी इन दोनों को मिक्स करते हुए, और इसी इसमें से मैं गोल्डन पिगमेंट लूंगी दूसरी फिंगर पर और इसे इधर अप्लाई कर लूंगी, ब्लेंड कर लूंगी फिंगर से ही। एक बार फिर से थोड़ा सा ब्लैक शेड लेके ब्रश पे और इन सबको इस तरह से लाइनर लगा ले रही हूँ मैं, और ये मेरी नोज पे ब्लैक कलर का आई शेड पता नहीं क्या लगा, और ये मुझे एडिटिंग करते हुए दिखा उस टाइम नहीं दिख रहा था। टेप हटा देती हूँ, पहला वाला ब्रश लेके पहले ये वाला कलर नीचे स्मच कर लेती हूँ, थोड़ा सा ब्लैक वाला। आईलैशेस कलर की हेल्प से मैं आईलैशेस को अच्छे से कर्ल कर ले रही हूँ और मस्कारा ले रही हूँ, और इसका एक्स्ट्रा डस्ट कर देना है, हटा देना है, और इस तरह से नीचे से ऊपर की साइड ले आते हुए आपको मस्कारा अप्लाई करना है। अब लिप्स पे मैं आउटलाइन कर लेती हूँ, पहले नीचे वाले लिप्स पे किया है मैंने, फिर ऊपर वाले लिप्स पे क्यूपिड बॉस से हेवन की रेड लिपस्टिक में लगा ले रही हूँ। जल्दी करना पड़ेगा, मेरी बेटी का स्कूल का टाइम हो गया है, ये हटा देते हैं। रेड कलर की बिंदी लगा ले रही हूँ हेयर स्टाइल बनाने के लिए, पहले मिडल पार्टीशन कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं इस तरह से सूखा सिंदूर लगा ले रही हूँ, अपनी ज्वेलरी पहन ले रही हूँ, इसके बाद अपना मंगलसूत्र, इयर रिंग। अब मैं पहले अपनी साड़ी पहन लेती हूँ, ये ग्रीन कलर की हैवी वर्क की साड़ी मैं पहनने वाली हूँ।
बाद मैंने रेड कलर का गोटे वाला दुपट्टा ले लिया। आप चाहें तो लहंगे का दुपट्टा भी साड़ी के ऊपर इस तरह से ले सकते हैं, बहुत प्रिटी लगता है ये वाला लुक। ये है मेरा फाइनल लुक, होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना गाइज। मैं एक चीज जल्दबाजी में भूल गई, मुझे अपनी बेटी को लेने जाना है, मैं काजल नहीं लगाया है, तो आप काजल भी जरूर लगा लीजिएगा। अभी मुझे ये सब उतारना पड़ेगा, फिर मैं अपनी बेटी को लेने जाऊंगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते, बाय।